हम लोग मौजूद हैं पटना के मुसल्लापुर हाट में, जहाँ किसान कोल्ड स्टोर है और यहाँ पर काफ़ी सारा कोचिंग है, जैसे कि खान सर का ले लीजिए और उसी के बगल में ज्ञान बिंदु का भी है। और ज्ञान बिंदु पर हमला हुआ है, इससे पहले भी एक से डेढ़ मंथ हुआ है, इससे पहले भी हमला हुआ था ज्ञान बिंदु के ऊपर और कल फिर से हुआ है। आप लोगों ने पहले इनसे पहले यह वीडियो देखें किस तरह कल रात में जो है स्टूडेंट सब यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे या फिर पुलिस प्रशासन आए हुए थे। अभी हम लोग हैं ज्ञान बिंदु के नए ऑफिस में। यहाँ दोस्तों आप ये नया वाला ऑफिस देख रहे होंगे, ये देखिए शीशा नया नया ही सारा चीज़ लगा हुआ था, बना हुआ था। देखिए ये शीशा किस तरह से टूटा हुआ है, अभी यहाँ पे सफाई सब चल रहा था तो दो मिनट रोके हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ कैसे नीचे जो है शीशा वगैरह पड़ा हुआ है। यहाँ थोड़ा अंदर आ जाएंगे, अंदर आ जाइए। ये देखिए ऑफिस के अंदर आ गए और देखिए किस तरह से सारा चीज जो है रद्दबद्द किया हुआ है पूरा। अभी थोड़ा साफ सुथरा उधर किए हुए हैं, पूरा ये शीशा जो है तोड़ दिए हैं। ये नया वाला ऑफिस है ज्ञान बिंदु का, सेकेंड ऑफिस है, मेन ऑफिस जो है वहां पर है। तो चलिए मैं आप लोगों को मेन ऑफिस भी दिखाऊंगा। अबे यहाँ बाहर थोड़ा दिखाइएगा, ये देखिए किसान कोल्ड स्टोर है जहाँ खान सर का भी ऑफिस है, खान सर का क्लासरूम है और उसी में जो है ज्ञान बिंदु का भी क्लासरूम है। और यहाँ पर डेढ़ मंथ पहले ही एक बार फिर हमला हुआ था और आज फिर ये दूसरा हमला है। इस तरह से हमला किए हैं कि क्या ही बताएं, काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, शीशा तीसरा आप देख रहे हैं टूटा हुआ है और काफ़ी सारे स्टूडेंट को चोट भी आया हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाएंगे पूरा क्या क्या नुकसान हुआ है, कैसे हमला हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग ज्ञान बिंदु के मेन ऑफिस के पास हैं और यहाँ जो है पूरा शीशा वगैरह पड़ा हुआ था रात में, लेकिन पूरा देख रहे हैं साफ हो गया है। मैं वीडियो चला दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा कल रात में किस तरह का सीन था जब शीशा टूटा हुआ था। आइए मैं आप लोगों को मेन ऑफिस दिखाता हूँ। ये सब देखिए टूटा हुआ है, बाकी शीशा जो है वो साफ कर दिया है, किसी को इससे नुकसान ना हो। बाकी बात एक, आपका शुभ नाम? रोहित कुमार। क्या सब हुआ है? नहीं कुछ ऐसे, बस थोड़ा बहुत तो होते रहता है ये सब। हाँ ये थोड़ा बहुत है, मतलब सारा फर्स्ट ऑफिस और उसके बाद सेकेंड ऑफिस, उसके बाद क्लासरूम का बोर्ड, सारा चीज टूटा हुआ है। और एक तरह से देखे तो उस टाइम पे हम अब्सेंट थे। हाँ चलिए भैया अब्सेंट थे, जो यहाँ प्रेजेंट होंगे उनसे बात करेंगे। उसके बाद चलिए मैं आप लोगों को पहले क्लासरूम दिखाता हूँ। क्लासरूम में जो डिजिटल बोर्ड होता है वो भी पूरा टूटा हुआ है, डेस्क बॉक्स जो है, टेबल सब, वो सब भी पूरा रद्दबद्द है, इसे उसे इधर से उधर फेंका हुआ है। वो सभी चीज मैं आप लोगों को पहले दिखाता हूँ, आइए। कल जो है हमला हुआ, अभी हम लोग ज्ञान बिंदु का जो क्लासरूम है उसी के पास है और इसके पीछे जो है ऑफिस है, ऑफिस भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो मेन ऑफिस है जहाँ सर बैठते हैं। कल हमला हुआ और इतना बड़ा हमला होने के बाद भी अभी जो है सर क्लास ले रहे हैं, नुकसान हो गया। ये देखिए ये वेटिंग हॉल है, स्टूडेंट जब यहाँ आते हैं तो बैठते हैं। उधर देखिए वो बोर्ड देखिए, बिजली वायर वाला बोर्ड, उसको भी पूरा तोड़ दिया है। मतलब वहाँ देखिए वो गेट, देखिए गेट में शीशा लगा हुआ था वो भी टूट गया पूरा, मतलब कि तोड़फोड़ मचाए हुए हैं। और अभी तो बहुत कुछ साफ कर दिए हैं, मैं आप लोगों को जो है वीडियो चला दूंगा, दिखा दूंगा, जो वीडियो मेरे पास पड़ा हुआ है जो मैंने रात में शूट किया है, पहले भी आप लोग देखे हैं। उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए छोटा छोटा जो टीवी है, देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पूरा टूटा हुआ है, ये सब देखिए। ये देखिए डिजिटल बोर्ड ये है शायद, हाँ ये डिजिटल बोर्ड है, ये जो है पूरा टूट गया है, मतलब पूरा नुकसान हो गया, ये अब किसी काम का नहीं है। वहाँ क्लासरूम से ये पूरा सारा चीज जो है हटा के यहाँ रख दिए हैं और सर क्लास ले रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि सर क्लास ले रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं।